नमस्कार दोस्तों, आप सभी लिए खुशखबरी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये इनके फॉर्म की देखिए, ये जो वैकेंसी है वर्ग 2 की वैकेंसी है, इसमें जो है 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है दोस्तों। इसमें ऑनलाइन भरने की तिथि देखिए 28 सितंबर से, देखिए 28 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाले हैं और 12 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे। और आवेदन संशोधन की तिथि जो है 28 सितंबर से 17 अक्टूबर तक दी गई है। ऑनलाइन समय सारणी देखिए, पेपर की डेट देखिए दोस्तों, जनवरी में पेपर होता है आपके पास। अभी देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 3.5 महीने का पूरा पूरा समय आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आप इसकी तैयारी करिए, बहुत अच्छी वैकेंसी इसमें आपको पता है। पात्रता के बारे में सिर्फ जानते होंगे कि बीएड और डीएड वाले दोनों डाल सकते हैं, बीएससी या जिसका पीजी करा हुआ, यूजी करा हुआ, जैसे कि ग्रेजुएशन जिसने करा हुआ, वो सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। पेपर का समय आप सब देख सकते हैं दोस्तों कि जो है केवल 2.5 घंटे का पेपर है दोस्तों। और देखिए परीक्षा शहर के बारे में दिया गया है, यहाँ पे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गमो, दमोह, गुना, कटनी, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, सीधी, सिमनी एवं खरगोन। दोस्तों देखिए बहुत अच्छे, बहुत सारे एग्जाम सेंटर के आपको एग्ज़ाम दें, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम फीस कितनी लगेगी। देखिए एग्ज़ाम फीस जो है दोस्तों, जनरल वालों के लिए 500 रुपये है और ओबीसी वालों, एसटी वालों के लिए फीस जो है 250 रुपये फीस दी गई है दोस्तों। और देखिए आगे हम वो भी सारी जानकारी दी हम बताते हैं आपको दोस्तों। 1 से अधिक विषयों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें भी दिया गया है, प्रति प्रश्न बस ये है कि अगर आपने 1 से अधिक विषयों में यूजी करके रखा है, ग्रेजुएशन करके रखा है, 1 से 2 विषय फॉर्म भर सकते हैं आप। ये भी आप आगे जो भी जानकारी है दोस्तों, अभी व्यापम की साइट पर रूल बुक डाउनलोड होगी, आप उससे ले सकते हैं। और देखिए और भी क्या है, इसमें ओरिजिनल फ़ोटो दी, फोटो युक्त प्रमाण पत्र ले जाना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे अच्छी बात मैं आपको इसमें बताता हूँ दोस्तों, इसमें जो दिया गया है मध्य प्रदेश का मूल रोजगार पंजे, नहीं देखिए 10वें नंबर का पॉइंट आप देखिए दोस्तों, उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार काल जीवित पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए केवल इसमें एमपी के जो हैं निवासी, केवल वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इसका जो पेपर है ऑनलाइन पेपर होगा दोस्तों। आप सभी तैयारी करिए अच्छी सी, हम आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको और भी अच्छे बना के वीडियो बना के देंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी दोस्तों आपने। और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। देखिए बहुत अच्छी जानकारी हमने आपको दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लाएंगे, इससे संबंधित जो भी है वर्ग 2 से संबंधित, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित, आपको बहुत अच्छी वीडियो लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने इसे पूरा देखा होगा, आप इसे शुरू से आगे तक और देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, थैंक यू दोस्तों। कमेंट भी करिए, कमेंट करके बता सकते हैं और किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, हम आपके और अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।